हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास पावर एंड एक्सपोनेंट नाम का चैप्टर है। तो बिल्कुल आसान चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम इंट्रोडक्शन करेंगे और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि चैप्टर क्या है, पावर क्या होती है, इसके अंदर जो जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट आता है उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो देखें बच्चों, ये जो चैप्टर का नाम है हमारा पावर्स एंड एक्सपोनेंट, क्लास 8 के अंदर भी आता है ये, ठीक है, 7th में भी आता है और इनका हमारा हर क्लास में यूज होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। तो जैसे मैंने यहां पे ये लिखा, तो मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया एक्स, इसके ऊपर मैंने एम लिख दिया। तो यहां पे जो ये एक्स है, इस एक्स को तो हम बोलते हैं बेस, और जो इसके सर पे मैंने यहां लिखा ये स्मॉल एम, इसको क्या बोलते हैं हम, पावर बोल देते हैं हम इसको, ठीक है, या हम इसको क्या बोल देते हैं, एक्सपोनेंट बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक्स के सर पे मैंने एम लिखा, तो हम इसको रीड कैसे करते हैं, हम इसको रीड करते हैं एक्स रेज्ड टू द पावर एम, एक्स रेज टू द पावर एम। ऐसे अगर कोई चीज लिखी आती है तो उसको एक्स रेज टू द पावर एम। जैसे मान लेते हैं कि ये आया मेरे पास 2 और उसके सर पे क्या लिखा आया 3, तो 2 तो हमारा बेस हो गया और इसकी पावर 3 हो गई। रीड कैसे करेंगे, 2 रेज टू द पावर 3। ऐसे ही अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या बन जाएगा, 3 रेज टू द पावर 4। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं -3/7 और इसके सर पे 8 लिख देता हूं, तो मेरे पास क्या बनता है, -3/7 रेज टू द पावर 8। ऐसे हम इसको रीड कर सकते हैं। तो बच्चों ये है हमारे पास, ये तो हमने इसको रीड करना देख लिया, भाई हम इसको रीड कैसे करें, हम इसको बोलेंगे कैसे, ठीक है। इसमें हमें एक दो बातों को और ध्यान रखना है, वो क्या होती है, जैसे अगर किसी भी नंबर या फंक्शन या किसी भी क्वांटिटी की पावर 2 आ जाती है, तो इसको हम एक तो ऐसे ही रीड करते हैं एक्स रेज टू द पावर 2, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर। क्या इसको रीड करते हैं, एक्स स्क्वेयर। इसी तरह से अगर कहीं पे पावर 3 आ जाती है तो इसको हम रीड करते हैं एक्स क्यूब, और इसको हम एक्स रेज टू द पावर 3 भी बोलते हैं, एक्स रेज टू द पावर 2 भी बोल सकते हैं, एक्स स्क्वेयर भी बोल सकते हैं। ऐसे ही एक्स रेज टू द पावर 3 भी बोल देते हैं और एक्स क्यूब भी बोल देते हैं। ज्यादातर हम एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब बोलते हैं इनको, ठीक है। फिर हमारे पास इसका एक बार मतलब देख लेते हैं कि क्या होता है। ये तो हमने इसको रीड करना सीख लिया कि कैसे रीड करेंगे हम इसको, कौन बेस हो जाएगा, जो नीचे लिखा होता है वो बेस हो जाता है और जो उसके सर पे लिखा होता है वो पावर हो जाता है। अब जैसे मैंने ये लिख दिया 2 के सर पे 2 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 2 की मल्टीप्लाई इसी 2 के साथ जितनी पावर है उतनी बार करनी है हमें मल्टीप्लाई। ऐसे ही अगर मैंने इसके सर पे 3 लिख दिया तो 2 की ही मल्टीप्लाई 2 के ही साथ 3 टाइम्स करनी। ये नहीं है कि बहुत सारे बच्चे 2 × 3 = 6 बोल देते हैं, ये गलत हो जाता है हमारे पास। जैसे ही ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर ये आ जाता है 2 raised to the power 4, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 के ही साथ 4 टाइम्स करते हैं। अगर ऐसे 5 आता है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 के ही साथ 5 टाइम्स कर देते हैं, और इसका आंसर क्या बनेगा, ये 4 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। इस तरह से हम इनको रीड कर देते हैं, ठीक है बच्चों। इसकी 2 की प्लेस पे अगर कोई भी नंबर है, जैसे -3 है, तो -3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 के साथ, कितने जितनी पावर होगी, 3 है तो 3 टाइम्स, 2 है तो 2 टाइम्स, तो -×-, तो -3 टाइम्स है तो माइनस, और 3 कितना आएगा, 3×3 9×3 27। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब बच्चों हमें क्या देखना है इसके अंदर, अब क्वेश्चंस में हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चंस में हमारे पास इसके कुछ
रूल लगेंगे, अप्लाई होंगे, उनको हमें याद करना है और वही हमें देखने हैं। उनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, कि वो कौन कौन से हमारे पास लॉज हैं। लॉज मतलब नियम। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये सेवंथ एट्थ क्लास वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखें, दोनों क्लास में है, दोनों जगह पर यही है और आगे ये अप्लाई होंगे डायरेक्ट। ठीक, तो क्या है ये, अगर x रेज टू द पावर m की मल्टीप्लाई करते हैं x रेज टू द पावर n के साथ, तो बेस देखे दोनों तरफ सेम है तो पावर क्या हो जाती है, एड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, एड। इसका मैं अगर आपको कोई एग्जांपल बना के दिखाऊं, चलो तो यही लिख लेते हैं एग्जांपल भी। जैसे लिख दिया मैंने 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 4, तो ये कितना बन जाएगा, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 7। तो इस तरह से ये ऐड हो जाता है। तो फिर सेकंड है हमारे पास, अब यहां पे तो मल्टीप्लाई था, अगर डिवाइड होता है तो पावर हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाती है। एग्जांपल देखें, यही ले लेते हैं जैसे ऊपर लिया था हमने, तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, 2 रेज टू द पावर माइनस 1। फिर थर्ड आता है हमारे पास, अगर एक फंक्शन है x रेज टू द पावर m और उसकी दोबारा फिर पावर है, मतलब पावर की पावर दे रखी है, x रेज टू द पावर m टू द पावर n, तो इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स की। जैसे ये ही लिख लिया हमने 2 रेज टू द पावर 3 टू द पावर 4, तो क्या करेंगे 3 इंटू 4, तो ये क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। इस तरह से करने हैं हमें। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे पास और भी रूल आते हैं। ये हमने 3 कर लिए, तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या आता है, ये हो गया हमारे पास। ठीक, तो बच्चों अगर किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाती है तो वो हमारे पास डायरेक्ट क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। जैसे जैसे मैंने 2 रेज टू द पावर 0 लिख दी, क्या बन गया, 1 बन गया। 3 रेज टू द पावर 0 लिख दी, क्या बन गया, 1 बन गया। अगर आपको यहां ध्यान रखना है, अगर 0 रेज टू द पावर 0 आती है तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास नॉट डिफाइन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, अलग से ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि 0 रेज टू द पावर 0 वो हमारे पास क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद हमारे पास रूल 5 आता है, अगर कहीं पे x इंटू वाई लिखा है और उसकी पावर m है तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख लेते हैं, x रेज टू द पावर m इंटू वाई रेज टू द पावर m, अलग अलग लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कहीं पे 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 है तो इसको मैं 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 लिख लेता हूं। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। फिर ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई के प्लेस पे डिवाइड आ जाए तो भी मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूं। अब ये मैंने डिवाइड ऐसे लिख दिया, अगर इसकी जगह पे यही चीज घूम के एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में आ जाए तब ये वही आ जाएगा मेरे पास, ऐसे आ जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास ऐसे ही, अच्छा इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया 2 अपॉन 3 रेज टू द पावर 5 तो इसको मैं क्या लिख लेता हूं, 2 रेज टू द पावर 5 और 3 रेज टू द पावर 5। फिर ऐसे ही कोई 7th रिजल्ट देखते हैं हम, तो वो क्या आता है हमारे पास, अगर 1 रेज टू द पावर एनी नंबर वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। 1 की पावर कुछ भी रख दे, कुछ भी, क्या बनता है वो, 1 बनता है। जैसे 1 रेज टू द पावर 7 की तो भी 1 बन गया, 1 रेज टू द पावर माइनस 8 की तो भी 1 बन गया, 1 रेज टू द पावर 0 की तो भी 1 बन गया। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर क्या लिख लेता हूं, 1 रेज टू द पावर 8 अपॉन 7 करेंगे तो भी 1 बन जाएगा, मतलब कुछ भी करो 1 बन जाता है हमारे पास। ठीक है, ये ऐसे करके हमारे पास 1 बन जाता है। तो ये 7 रूल्स हो गए हमारे पास। स्पेस देखते हैं थोड़ा सा ना इस तरफ सरका लेते हैं उसको, क्योंकि और आ जाएंगे हमारे पास। फिर देखें 8th है हमारे पास, इफ x रेज टू द पावर m इज इक्वल टू y रेज टू द पावर n,
अगर ऐसा होता है तो x इज इक्वल टू वाई हो जाता है। मतलब क्या हुआ, अगर पावर इक्वल होती है, दो नंबर ऐसे हैं जिनकी पावर इक्वल है लेकिन बेस अलग अलग है, तो बेस इक्वल हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैंने ये लिख दिया, ठीक है, अगर मैंने ये लिख दिया तो यहां से मेरे पास क्या आ जाता है, 2 इज इक्वल टू एक्स आ जाता है। फिर इसी का एक और आता है हमारे पास, अगर एक्स रेज टू द पावर एम इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन आता है, तो वहां से एम इज इक्वल टू एन हो जाता है। अगर दो ऐसे नंबर इक्वल हैं जिनका बेस सेम लेकिन पावर अलग अलग है तो पावर इक्वल आ जाती है। इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल बना के, क्या ले लेते हैं, 2 रेज टू द पावर एम इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4, तो यहां से हमारे पास m इज इक्वल टू 4 आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आगे हमारे पास। फिर 10th प्रॉपर्टी क्या है इसकी, अगर कोई भी नेगेटिव पावर है उसे पॉजिटिव करना है तो उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जैसे 2 रेज टू द पावर माइनस 4, इसकी पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये कर लिया हमने। फिर जैसे हमने यहां पे, मैं थोड़ा सा ना इसको और यहां लिख लेता हूं क्योंकि स्पेस है, प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे यहां हमने 1 रेज टू द पावर एनी नंबर किया था, 1 आ गया था, इसी तरह से हमारे पास अगर मैं माइनस 1 की पावर इवन नंबर करता हूं, कोई भी इवन नंबर, तो वो 1 आता है। जैसे और इसके साथ साथ अगर माइनस 1 की पावर में कोई भी ओड नंबर करता हूं तो मेरे पास वो माइनस 1 आता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर माइनस 1 की पावर मैंने ये लिख दी, देखने से पता लग गया क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 6 है तो ये इवन है, तो ये क्या बन गया, 1 बन गया। इसी तरह से माइनस 1 रेज टू द पावर मैंने ये लिख दी, इवन नंबर, सॉरी यूनिट प्लेस ओड नंबर है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 1 बन जाएगा। तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टी हमको लर्न करनी है। लर्न क्या, 11 प्रॉपर्टी है, आसान है, इसके बाद ही हम इनको, इनमें जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको हम कर सकते हैं। ठीक है, इनको एक ही वीडियो में लेके आने के लिए कोशिश करते हैं, थोड़ा इसको नजदीक ले आते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी प्रॉपर्टी है, ये सभी आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना, एक बार ध्यान से देखें, दोबारा रीड कराता हूं। अगर बेस सेम होता है, पावर मल्टीप्लाई करते टाइम पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई करते टाइम, अगर डिवाइड करेंगे बेस सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, कौन, पावर, पावर की पावर आएगी तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। किसी भी नंबर की पावर 0 आएगी तो 1 हो जाएगा, लेकिन वो किसी भी नंबर, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 की पावर 0 आएगी तो नॉट डिफाइन। मल्टीप्लाई में है दो नंबर, पावर 1 है तो अलग अलग आ जाएगी। डिवाइड में है दो नंबर, पावर 1 है तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, 1 की पावर कोई भी करो, कुछ भी करो, 1 आएगा। दो नंबर ऐसे इक्वल है जिनकी पावर तो सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो बेस इक्वल हो जाएंगे। इसका उल्टा कर दो, दो नंबर ऐसे है जो इक्वल है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो वो हमारे पास पावर इक्वल आ जाएगी। नेगेटिव एक्सपोनेंट है, पॉजिटिव बनाना है, ऐसे कर लेंगे। अगर इसके साथ साथ एक और आता है, यहां तो हमारे पास ये सिंपल सा नंबर है, यहां अगर मान लो हमारे पास एक्स अपॉन वाई में कोई फ्रैक्शन आ गई, उसकी पावर माइनस में है, तो उसको प्लस में करने के लिए वाई अपॉन एक्स, मतलब अंदर इसको रेसिप्रोकल कर दो। कैसे, कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2/3 रेज टू द पावर माइनस 4, इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट लेके आने के लिए अंदर वाले को चेंज कर दो। ठीक है, इस तरह से चेंज कर देते हैं। अगर मेरे पास ये आ जाता है -9/8 रेज टू द पावर माइनस 8, अंदर वाले को चेंज करना है तो अंदर वाले को, माइनस तो एज इट इज रहेगा, -8/9 रेज टू द पावर 8। ठीक है, अब आपको एक अलग से चीज बताता हूं मैं, क्या है वो अलग से चीज। अगर मेरे पास -P/Q आता है, या मेरे पास P/-Q आता है, या मेरे पास -P/Q आता है, तीनों एक होते हैं। मतलब अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है उसको भी मैं बीच में लिख सकता हूं, डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसको भी मैं बीच में लिख सकता हूं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है।
अब बच्चों ये इतने सारे प्रॉपर्टी थी, ये मैंने सारी की सारी आपको करा दी, एक भी क्वेश्चन नहीं मैंने आपको कराया, तो आपको क्या करना है, ये सभी प्रॉपर्टी ही लर्न करनी है। क्वेश्चन हम आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखनी है 2-3 बार, सारी प्रॉपर्टी लर्न करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जब आपको ये लर्न होगी, ठीक है। टिल देन गुड बाय।